सो वेलकम टू गाइस, वेलकम वंस अगेन, एक बार आपका फिर से यस और नो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, एक एक ऑप्शन यूज़ करके कि इंसर्ट टैब यूज़ कैसे होता है और कैसे रन कराया जा सकता है एक एक ऑप्शन। तो चलिए बिना देरी के हम इंसर्ट टैब का एक एक ऑप्शन यूज़ करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेज कवर। पेज कवर में क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर आप बुक्स लेते हैं तो उसका एक पेज कवर होता है, जो पेज कवर आप बना सकते हैं। और पेज कवर बनाने के लिए आप इसमें कहीं भी क्लिक करके, एक जैसे होता नहीं, यहाँ बहुत सारा डिज़ाइन है तो हर पेज के, हर बुक के ऊपर एक कवर होता है या हर एक असाइनमेंट के ऊपर एक कवर होता है। तो हम यहाँ से कोई भी एक क्लिप उठा के यहाँ पे इंसर्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर अपने से भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है, जैसे हमारा पेज एक यहाँ है, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ मैटर लिखे और मैटर लिखने के बाद हमारा ये पेज क्या हुआ, भर गया। हम सोचते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट एक दूसरा पेज आया, तो हम बार बार या तो वो करेंगे क्या कहते हैं इंसर्ट करेंगे, इंटर करेंगे तब पेज आता है। अगर इंटर और इंसर्ट नहीं करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका एक दूसरा पेज यहाँ पे क्या हुआ, एक इंसर्ट हो गया। तो मतलब हमारा एक न्यू पेज लाने के लिए क्या करेंगे, हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है, किसी भी पैराग्राफ को दूसरे पेज में ले जाने का काम करता है। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला जो है, ये वाली लाइन के नीचे जितना भी मैटर है वो क्या करके दूसरे पेज पर चला जाए, क्योंकि ये पहले पेज पर है, दूसरे पेज पर देखिए कुछ नहीं है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे और पेज ब्रेक क्लिक करेंगे, देखिए ये मैटर क्या हुआ, वहाँ से दूसरे पेज में आ गया, पहला पेज आपका यहीं पर है, ये देखिए आपका वो आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी पैराग्राफ को किसी दूसरे पेज में ले जाने के लिए क्या करेंगे, पेज ब्रेक का काम करते हैं। टेबल, टेबल के बारे में बताएंगे, टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल पे आएंगे, जितना भी आपको रॉ एंड कॉलम चाहिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो यहाँ आप इंसर्ट टेबल पे आइए, इंसर्ट टेबल पे आने पर जैसे 5 कॉलम है 2 रॉ, जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कॉलम हो गया आपके और 2 रॉ हो गया। अगर आपको और भी कॉलम चाहिए तो यहाँ पे जैसे लास्ट में कर्सर रखेंगे, इंटर करेंगे, देखिए कॉलम क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, जितना आपको चाहिए ये आपको लास्ट में कर्सर रखेंगे इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कॉलम बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, इसका डिज़ाइन भी कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो, ये देखिए। ठीक है, इसके बॉर्डर को सेटिंग वगैरह भी दे सकते हैं, जो कलर चाहिए बॉर्डर देखिए कलर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑल बॉर्डर दे सकते हैं, इसको पूरा बॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल से आप कोई भी पेंसिल कलर है, यहाँ ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए कुछ भी, कोई भी टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर है, इरेजर से आप टेबल को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, पूरा ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे गाइज हैं इसमें टेबल्स में। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा कि इमेज, सॉरी पिक्चर, पिक्चर से क्या होता है, हम कोई भी इमेज ला सकते हैं पेज में, जैसे ही पिक्चर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप ओपन होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर्स पसंद हो वो आप पिक्चर्स क्या करिए, यहाँ पे जैसे मैंने कोला के लिए लिया, यहाँ पे ये पिक्चर क्या हुआ, आ गया यहाँ पे, इंसर्ट हो गया। देखिए पेज में कहीं भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं हम इसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है क्लिप ऑल। क्लिप ऑल बाय डिफ़ॉल्ट इमेज होता है जो यहाँ पे हम लिख के कुछ भी मंगा सकते हैं, जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, जैसे ही गो किया ये कंप्यूटर से बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप आर्ट आ गए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें देखिए कंप्यूटर यहाँ आ गया, जो हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे वो क्या होगा, पेज में इंसर्ट हो जाए। तो क्लिप आर्ट का काम क्या होता है, छोटे छोटे क्लिप होते हैं कि वो हम क्या कर सकते हैं इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाय सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट। और मैं अगर आगे आपको बताऊं क्या कहते हैं कि हमारा आगे जो है वो है शेप। शेप में बहुत सारे शेप आकार बने होते हैं, जिसको चाहें वैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें ये चाहिए इमोजी, देखिए इमोजी हमने ये इंसर्ट कर लिया, इसको कलर करना चाहिए तो यहाँ कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लाइनिंग बॉर्डर लाइन चाहिए पतला मोटा जितना करना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ शेप, शेप के द्वारा हम कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, एरो बनाना है एरो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना रेक्टेंगल बना सकते हैं, तो जो आपको मन करे वो आप शेप्स के द्वारा बना सकते हैं। शेप में बहुत सारे शेप हैं, आप जो भी आपका नीड हो उसी अकॉर्डिंग आप शेप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं कि नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है वो स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट आपने मैथमेटिक्स में, सॉरी साइंस में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्मार्ट आर्ट से ही क्या करते हैं आपको सिखाया जाता है कि कैसे ये चीज़ काम होती है। जैसे नेचर के बारे में देखें तो यहाँ पे मैंने ये लिया हुआ और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ओके करूँगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ डॉग मैं लिख सकता हूँ, यहाँ क्या कहते हैं कि DOG डॉग लिख दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कैट, मतलब क्या है कि कुत्ता बिल्ली खाती है, बिल्ली क्या करती है चूहे खाती है, तो यहाँ मैं रैट लिख दूंगा।
ठीक है। तो ऐसे करके आप ये लोगों को क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आप समझा सकते हैं। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे आपको स्टाइल भी दिया गया, आप ऐसे स्टाइल है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आपको पसंद हो वो स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट टूल्स का मतलब ये क्या है कि आप इसमें कोई भी साइंस के स्ट्रक्चर को बना के आप उसको ईजिली समझा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपको, तो नेक्स्ट मैं आता हूँ इंसर्ट पे और यहाँ पे आता हूँ, ये क्या है, चार्ट। चार्ट क्या होता है, चार्ट आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पाई लाइन है, ये है बार है, पाई है, लाइन है, एरिया चार्ट है। तो जो इस चार्ट को आप इंसर्ट करना चाहें सिंपली उस चार्ट को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल भी करके वन बाई वन आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी ना किसी चीज़ का एक लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ एस और नो, एस और नो लिखने पर हम चाहते हैं इसमें एक लिंक ओपन हो जाए, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हाइपरलिंक क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि एस और नो में ये क्या कहते हैं, एक फॉर्म है, ठीक है, या कुछ भी हो हमारे पास, ये एक किया क्या कहते हैं, एक अदर रामेश लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए ये क्या हुआ, एक हाइपरलिंक इसमें जाके जुड़ गया। अब हम अगर इस पर कभी इस पर आते हैं कभी, ठीक है, एक मिनट, ये हाइपरलिंक क्या करेंगे हम, सॉरी हाइपरलिंक ये लेंगे, कोई भी डाटा क्लिक करते हैं, ये ओके किया तो ये हाइपरलिंक आ गया। सो ये एक मिनट, मान लीजिए हमने गूगल लिखा, ये अभी तक रन कर रहा था, अब रन नहीं कर रहा है, तो हाइपरलिंक एक बार देखेंगे फिर से। सो गाइस ये मैंने ओके किया, हाइपरलिंक गाइस मैं आपको हाइपरलिंक अभी बताता हूँ, क्योंकि ये अभी तक रन कर रहा था और अभी जस्ट नहीं रन कर रहा था, ये इसके बारे में जाए थोड़ा सा देखूँगा, क्योंकि ये पूरा लिंक दे दे रहा है, ठीक है। लिंक नहीं आना चाहिए, एक नाम पे ही क्या कहता है ग्रीन कलर का आ जाता है, उस पर हम कंट्रोल साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए बुकमार्क के बारे में तब बताते हैं आपको, हाइपरलिंक बता देंगे मैं आपको। तो बुकमार्क पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बुकमार्क क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे किसी फाइल या पैराग्राफ में पहुँचने के लिए क्या करेंगे, बुकमार्क यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा यहाँ पे मैटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हम जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आया है आपका ये, तो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का बुकमार्क दे सकते हैं, जैसे ऑन द, तो हम यहाँ पे ऑन द को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, बुकमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे सेम लिखेंगे ऑन और अंडरस्कोर यहाँ यूज करेंगे और लिखेंगे द, ठीक है, ऑन द, फिर उसके बाद जैसे ही ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब कभी भी हमें कहीं भी ऑन द पे जाना होगा या कुछ भी होगा, तो ऑन द कहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के काम आता है। तो यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ गोटो किया, तो ऑन द जहाँ होगा देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, वो सेलेक्ट हो गया। तो बुकमार्क का काम यही है, क्रॉस रेफरेंस का काम यही होता है, पेज पे जाना, पेज नंबर पे जाना, लाइन पे जाना, ठीक है, हेडिंग पे जाना, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ होते हैं ये इसमें किया जाता है, इसमें नंबर पेज, ये हम डायरेक्ट किसी भी पेज या पैराग्राफ में जाने का काम करते हैं, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस के जरिए। और अगर मैं आपको हेडर फुटर के बारे में बताऊं, तो हेडर आपका क्या है, ये आपका क्या कहते हैं, पेज के ऊपर लगता है, देख सकते हैं आप, कोई भी बुक्स होती है तो इस तरह आपका क्या कहते हैं, उसमें टाइटल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया दिस इज द एमएस वर्ड, ठीक, हमने ये लिख दिया, तो अब ये क्या हुआ, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, देखिए हट गया, लेकिन ऊपर क्या हुआ, एक टाइटल जैसा ऐड हो गया, ठीक है। इसको हटाने के लिए भी आप करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, इस पर डबल क्लिक भी कर देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्लोज हेडर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लोज हेडर करेंगे, देखिए वो हट गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, अब मुझे यहाँ पे आना है, देखिए इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे हेडर की जगह अब हमें फुटर भी लगाना है। फुटर क्या होता है, पेज के नीचे लगता है, जैसे पेज के नीचे किया हमने यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ पेज नंबर वन जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक ऊपर लग गया और एक नीचे लग गया, क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक नीचे लग गया पेज के, एक ऊपर लग गया, ठीक है। तो आई थिंक बुक्स वगैरह ऐसे ही होते हैं, हेडर फुटर लगा होता है, ठीक है। पेज नंबर हम क्या करेंगे, पेज में नंबर देने का काम करेंगे, पेज में इंसर्ट करेंगे, या तो लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड या मिडिल में करना है। जब मिडिल में करेंगे देखिए पेज नंबर आ गया मार्जिन में, देखिए तो यहाँ पेज नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, अभी तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ हम बाई पेज नंबर भी डाल सकते हैं, पेज वन पेज टू हेडर फुटर में, ठीक है। पेज वन पेज टू जो भी नंबर्स आपको यहाँ पे इनपुट करना हो, यहाँ पे आके आप पेज वन पेज टू कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी चाहिए आप, ये सब बॉटम वगैरह सब वही है, बॉटम में भी आएंगे देखिए तो वही चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है।
तो टेक्स्ट बॉक्स क्या, टेक्स्ट बॉक्स ये है कि हम कहीं भी एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ला के उसमें क्या कर सकते, लिख सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखो एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें चाहे जो लिखेंगे वो लिखाई देगा, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ईजिली वे में। और उसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। और मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पर इंसर्ट में आना है आपका, यहाँ पे है क्यूब पार्ट्स। क्यूब पार्ट्स में क्या होता है कि आप जैसे क्या कहते हैं, कोई भी नोट्स बनाए उसमें ऑथर का नाम जोड़ सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, कंपनी का नाम बता सकते हैं, कंपनी का एड्रेस जोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी, फैक्स वगैरह, अबाउट ऑफ दिस टोटल डॉक्यूमेंट्स कि ऐसा है कि जिसमें हम क्या कह सकते हैं, कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं, फैक्स, ईमेल आईडी, जो भी चाहिए वो आप क्या करिए, सिंपली क्लिक करिए, जहाँ भी कर्सर रहेगा देखिए वहाँ पर आ गया एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। तो आप कहीं पे भी इसमें एड्रेस, ऑथर का नाम या किसने लिखा है, कौन से ईयर में पब्लिश किया गया है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है, इजी वे में। लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आके आपकी आर्ट का यूज़ करेंगे। तो एक ऑप्शन आपका और भी है टेक्स्ट में, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में देखिए बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जिस डिज़ाइन में लिखना चाहेंगे, जैसे मुझे ये पसंद है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। योर टेक्स्ट ईयर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एस और नो, देखिए एस और नो हमने लिखा, यहाँ पे क्या किया, ओके किया, देखिए एस और नो आ गया। बड़ा करना चाहो यहाँ बड़ा कर सकते हो, ठीक है, देखिए बड़ा हो गया। तो ऐसे ही मैं क्या कह सकते, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है, डिज़ाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे आएँ, कुछ भी करो यहाँ डिज़ाइन चेंज हो जाएगा आपका, देखिए, ठीक है, जो भी आप डिज़ाइन पसंद हो वहाँ पे, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट का काम यही है कि आप डिज़ाइन में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। देखिए ये है ड्रॉप कैप, मतलब ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है कि वर्ड का एक पहला अक्षर क्या होगा, पहला लेटर का वो क्या होगा, आपका बड़े कैपिटल लेटर में हो जाए। जैसे हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया, हमने ड्रॉप कैप क्लिक किया, देखिए ये देखिए क्या हो, आई क्या हुआ आपका, बड़ा हो गया, ठीक है। शायद आई ना समझ में आ रहा, तो हम यहाँ यू से करेंगे, देखिए यू आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखा, यू आपका क्या हुआ, बड़ा हो गया। कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, देख रहे हैं आप। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादातर आप देखिए तो कोई हेडिंग ऐसे कुछ बड़ी होती है, बाद में उसके बाद वो पूरा मैटर लिखा होता है, दैट्स वाई ड्रॉप कैप का यूज़ हम ऐसे में कर सकते हैं। या ये है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में हम क्या कर सकते हैं, डी एस सी भी ना यूज़ किए हम डिजिटल सिग्नेचर यहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डी एस सी यूज़ किया जाता है, एड डिजिटल सिग्नेचर का सर्विस होता है, जो हर पेज में क्या करेगा, आपको साइन करने की जरूरत नहीं रही, डायरेक्ट पेज पर नीचे यहाँ पर क्या करेगा, साइन ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा आपका, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के लिए हम कहीं भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम क्या होगा, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट, जैसे मुझे ये वाला चाहिए तो इस फॉर्मेट देखिए क्लिक करेंगे, इस फॉर्मेट डेट आपका आ गया। इसमें टाइम भी है बहुत सारा, जो आप टाइम वाला चाहिए तो टाइम वाले भी ये क्लिक कर दीजिए, देखिए आपको टाइम वाले पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो डेट एंड टाइमिंग्स क्या होता है कि आप किसी भी पेज पर डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फाइल, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे सॉफ्टवेयर पर जो काम करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, हम चाहते हैं कि एक्सेल के चार्ट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए एक्सेल का चार्ट यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे एक्सेल का चार्ट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये आया चार्ट ओपन होके। हम इसमें जो भी कुछ करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, जब सीधा क्लोज करेंगे वो क्या होगा, पेज पर हमारे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वर्कशीट बुक करना चाहेंगे तो वर्कशीट यहाँ पे आ सकती है, देखिए वर्कशीट है, वर्कशीट यहाँ पे क्या आ रही है, वर्कशीट आ जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, वर्कशीट में, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन है जो मैथमेटिकल्स फॉर्मूले के लिए यूज किया जाता है, देखिए बहुत सारे इक्वेशन है, आप जो मैथ के पेपर बना सकते हैं। इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, इक्वेशन सिंबल है, बहुत सारे सिंबल है जो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में यूज़ होंगे, तो सारे के सारे सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई इक्वेशन लिखना हो तो इक्वेशन कुछ शायद इस टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, जो आप सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 2 लिखा और ऊपर वाले मैंने लिख दिया 3। अब अगर मैं राइट में क्लिक करूँ, देखिए सब स्क्रिप्ट ये सुपर स्क्रिप्ट का काम कर रहा है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी काम वहाँ से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है सिम्बल। सिम्बल का यूज़ क्या कर सकते हैं, इसमें जो जितने भी सिम्बल्स हैं वो आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक सिम्बल है। जो भी सिंबल आपको चाहिए सिंपली क्या करिए, उस पर क्लिक करिए और क्या करिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो वो क्या होगा, पेज में आ जाएगा, जहाँ भी कर्सर रखे, देखिए ए आ गया। मुझे अगर ये 10 चाहिए तो 10 पे क्लिक किया मैंने, और ये मैंने क्या किया, इंसर्ट किया, ये आ भी, ये भी आ गया, ठीक है। तो सिंबल से क्या कर सकते हैं, हम सिंबल आराम से ईजिली वे में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार फिर से अगर मैं हाइपरलिंक के बारे में देखूं तो क्या हाइपरलिंक काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। आप यहाँ पर से कोई भी नाम लिखेंगे
तो वहाँ पर क्या करेगा, हाइपरलिंक आपका यूज़ होगा। ये हमने कुछ भी लिखिए यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर आइएगा और कोई भी फाइल्स को क्या करिए क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा, वो फाइल उससे अटैच हो जाएगा और वो फाइल यहाँ ये ब्लू कलर में हो जाएगा। ब्लू कलर में होने के बाद आप कंट्रोल से अगर इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक रन करेगा, नहीं तो क्या होगा ये आपका रन नहीं करेगा, वैसे क्लिक करेंगे तो आपका रन नहीं करेगा। तो गाइज इस पर क्या करिएगा, आप आराम से इजीली वे में एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल रन करेगा, नहीं रन करेगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग टाइम में नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको ये क्या करते हैं फिर से करके दिखाता, और मैं ज़रूर डेफिनेटली इस पे ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा जिसके ज़रिए आपको क्या होगा ईजिली एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो छोटा छोटा एक हाइपरलिंक बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस पे एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, दो दो तीन तीन मिनट का, तो जिसके ज़रिए आपको क्या होगा ईजी वे में आपको थोड़ा सा एक अच्छा बेटर नॉलेज मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करेंगे हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।